स्वागत है आपका आज की इस खास वीडियो में। आज हम आपको महाराष्ट्र के लोनावाला के 10 टॉप लोकेशन के बारे में बताने वाले हैं। लोनावाला की 10 ऐसे लोकेशन जिनको आपको मॉनसून में जरूर विजिट करना चाहिए, तो आज उसी टॉपिक पर आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं। इसमें आपको 10 ऐसी जगहों के बारे में बताया जाएगा जो कि लोनावाला के आसपास होने वाली हैं और आप इस मॉनसून उनको जरूर विजिट करना। बदलधारा वाटरफॉल का और भी खूबसूरत व्यू देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा राजमाची फोर्ट के पास। उसके ऊपर से इसका व्यू बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शानदार देखने के लिए मिलता है। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड लोकेशन की तरफ, तो चलो अभी सेकंड लोकेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड लोकेशन पर जाने के लिए आपको सतलधारा वाटरफॉल से लोनावाला वापस आना पड़ेगा। लोनावाला वापस आने के बाद आप लोग पहुंचेंगे लोनावाला लेक पर, जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। हो जाती है बारिश के समय में, ये काफ़ी पानी से भर जाती है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। गर्मी के समय में ये लेक सूख जाती है तो यहाँ इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बारिश के समय में आप लोग जाएंगे घूमने तो ये आपके लिए बर्थडेट होने वाली है। इससे कुछ ही दूरी पर हमारी थर्ड लोकेशन है जिसका नाम है लॉयंस पॉइंट। और ये सारी जो लोकेशंस होने वाली हैं ये लोनावाला के 8 से 10 किलोमीटर के अंडर में होने वाली हैं, तो आप लोग मॉनसून में बादल कब इधर से उधर आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप ऐसे दिन घूमने जाएं जिस दिन बादल कम हो और बारिश ज्यादा ना हो। फोर्थ लोकेशन हमारी होने वाली है कोरेगढ़ फोर्ट। यहाँ पे भी बादल कभी भी आ जाते हैं और बारिश कभी भी हो जाती है, और ये लोकेशन काफी ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा प्यारी लोकेशन है। इसके पास में ही आपको एक और ब्यूटीफुल सी लोकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं, उसके बाद अभी बात करेंगे। अगर आप कोरेगढ़ फोर्ट बारिश में जाना चाहते हैं तो जरूर बारिश में विजिट करना, क्योंकि इसके स्टेयर से जो वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, और इसके ऊपर से जो लुक आपको देखने को मिलता है उसकी बात ही अलग है। अब हम बढ़ते हैं महाराष्ट्र के लोगों की पहली पसंद पांचवी लोकेशन भूसी डैम। जी हाँ दोस्तों, भूसी डैम महाराष्ट्र के लोगों की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा प्लेस है। आप लोगों को तो पता ही है भूसी डैम अगर आप लोग विजिट करने जाने वाले हैं तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आप पहुँचे तो ज़्यादा मज़ा आप यहाँ पर पहुँच के ले पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी छठवीं लोकेशन के पास जो कि है ड्विकनस नागफनी। नागफनी ये काफी ज्यादा खूबसूरत लोकेशन होने वाली है, और मंदिर से जो लुक आपको देखने के लिए मिलने वाला है वो ही शिव भगवान के जो सामने से जो लुक देखने के लिए मिलेगा वो काफी ज्यादा औसम और खतरनाक होने वाला है, तो आप अभी व्यूज को एंजॉय कीजिए।
हमारी अगली लोकेशन कार्ला केव्स, जो कि हमारी सातवीं लोकेशन है। कार्ला केव्स बुद्धिस्ट टेंपल है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत कार्विंग के साथ बनाया गया है। उस जमाने में जब हमारे पास कोई तकनीक नहीं होती थी, उस जमाने में भी इनकी जो कारीगरी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से की गई। इनकी कार्विंग्स को आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अगर इस वीडियो को आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं या अन्य जगह से देख रहे हैं तो कमेंट में अपनी जगह के बारे में जरूर बताएं। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली लोकेशन की तरफ। हमारे अगले लोकेशन का जो किला होने वाला है, ये काफी ऊंचाई पर बना आठवीं लोकेशन में से एक बीसापुर फोर्ट है, जो कि काफी ऊंचाई पे बना हुआ है। यहाँ से आपको काफी खतरनाक से व्यू देखने के लिए मिलने वाले हैं। और दोस्तों, अगर बारिश में आप लोग यहाँ पहुंचते हैं तो आपको यहाँ से भी वाटरफॉल कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा।